की मौत कैसे हुई है, क्या लगता है आपको? हमारे बेटे की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। आली नगर के पूर्व उसकी लाश मिली है, जहाँ पर उसकी लाश मिली है वहाँ पर वो मारा नहीं गया, कहीं अंत्य से उसका मर्डर करके तो वहाँ पर छोड़ा गया। क्या कोई रंजिश रही किसी से? अब फिलहाल हमसे तो रंजिश नहीं थे, अब लड़के के विषय में रंजिश रही होगी तो वो जाने, वो तो कर रहे नहीं गए इस दुनिया में, लेकिन फिलहाल हमारी तो ऐसी बात नहीं थी। राम सिंह वर्मा जी, उनका लड़का है, जरवल में मोटर पार्ट्स और मोटरसाइकिल के पार्ट्स और मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता था। जैसा मुझे संज्ञान में और सुनने में आया है, मैं शाम को किसी मोटरसाइकिल बनवाने वाले को लेकर, उसके पैसे को बकाए को लेकर इन लोगों का कुछ कहा सुनी हुई थी। मोटरसाइकिल वाला इनका पैसा नहीं दे रहा था तो ये उसकी मोटरसाइकिल रोक रहे थे कि पैसा दे जाओ तो मोटरसाइकिल ले जाओ। इसी को लेकर थोड़ा सा विवाद बढ़ा हुआ था, कुछ लोग और भी संभ्रांत लोग आए थे उस समय, उस मामले का पटाक्षेप किया था। कहा सुनी के दौरान ये सुनने में आ रहा है कि देख लेंगे, वो ये सब विषय आया था। वो पक्ष मोटरसाइकिल ले जाना चाह रहा था या नहीं ले जाना चाह रहे थे, नहीं देना चाह रहे थे, फिर वो मोटरसाइकिल ले गया, मगर कुछ कहा सुनी ऐसी हो गई कि ये शाम को भी वापस अपने घर नहीं पहुँचे। इनके परिजनों ने उनको फ़ोन किया तो स्विच ऑफ बता रहा था। रात भर इन लोगों ने तलाश किया, चूँकि जरवल रोड में ही उस लड़के की ससुराल थी तो पिताजी ने ये सोचा कि शायद ससुराल रुक गए होंगे, मगर सुबह जब 7-6 बजे जब ससुराल से भी संपर्क किया तो ये हुआ यहाँ नहीं आए हैं। तब इन लोगों ने तलाशना चालू किया तो बिल्कुल बहराइच जो गोंडा का जो बॉर्डर है उसी बॉर्डर में, बहराइच की सीमा में इनकी बॉडी सड़क किनारे, एक पतला रास्ता गया हुआ है कमालपुर की ओर, खेचरी फार्म की ओर, उसी के किनारे बॉडी पड़ी हुई थी। मोटरसाइकिल इनकी पड़ी हुई थी, डिग्गी टूटी हुई थी, पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस कार्रवाई क्या करती है। जरवल रोड में एक मोटर मैकेनिक की डेड बॉडी मिली है और उसकी शिनाख्त हो गई है, शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं है और पंचायत नामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका अभी तक नहीं व्यक्त की है, उन्होंने मात्र इतना बताया है कि बीती रात को कुछ लोगों से उसकी नोकझोंक हुई थी। फिलहाल उनकी तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं आई है, पंचायत तमा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है, जैसा भी तथ्य प्रकाश में आएगा या परिजनों की तरफ से शिकायत की जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।